आज कांग्रेस करेगी अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, वहीं कल करेंगे नामांकन। प्रियंका गांधी नहीं लड़ना चाहती चुनाव, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। जल्द उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। शिमोगा में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल ने की मुलाकात। अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले आज शाम तक औपचारिक ऐलान संभव, राहुल प्रियंका चुनाव लड़े। अमेठी पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बड़ा दावा, कहा कल 11 बजे अमेठी से होगा कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन। गुजरात के सुरेंद्र नगर में पीएम ने रैली को किया संबोधित, खड़गे पर साधा निशाना, बोले हिंदू समाज को बांटने का खेला, शिव और राम भक्तों को लड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान का नाम लेकर पीएम मोदी का राहुल और कांग्रेस पर तंज, कहा पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप एक्सपोज हुई, शहजादे को पीएम बनाने को पाकिस्तान है बेटा। मारिया आलम खान के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा इंडिया की रणनीति सामने आ गई, मुसलमानों से वोट जिहाद के लिए जाने को कहा, गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा शहजादे अब संविधान माथे पर रखकर नाच रहे हैं, साल 2014 से पहले था दो संविधान। आरक्षण को लेकर फिर राहुल गांधी का पीएम पर हमला, लिखा पीएम के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना के मामले को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा सबसे बड़ा मुद्दा रेवन्ना केस है, पीएम मोदी महिलाओं से माफी मांगे। यूपी के कैसरगंज में बीजेपी प्रत्याशी बदल सकती है उम्मीदवार, बृजभूषण सिंह का कट सकता है टिकट, वहीं सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण की पत्नी या बेटे को टिकट संभव। बीजेपी आलाकमान ने बृजभूषण से बातचीत की है फोन पर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, छोटे बेटे करण सिंह सिंह को टिकट मिलने की संभावना, वहीं पत्नी भी रह चुकी है सांसद। बीजेपी के 400 पार के नारे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा 400 पार का नारा अब बदला, अब भाषण में हार के रुझान। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित बयान, बोले हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, न बहाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। तेलंगाना में भीषण गर्मी की वजह से बढ़ाया गया मतदान का वक्त, 13 मई को सभी लोकसभा सीट पर कई विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। AIMIM चीफ ओवैसी का बीजेपी पर अटैक, कहा आरएसएस बीजेपी ने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ नफरत बढ़ाई, कब तक देंगे साथ। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का पीएम मोदी पर भी निशाना, बोले दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं पीएम मोदी, अगर फिल्मों में काम करते तो बंद कर देते सभी एक्टरों की दुकान। बरेली की रैली में अमित शाह की 400 पार की हुंकार, विपक्ष पर लगाया परिवारवाद का बड़ा आरोप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने नामांकन किया दाखिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारामूला सीट से दिया है टिकट, उमर अब्दुल्ला ने किया जीत का बड़ा दावा। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ओडिशा के संबलपुर सीट से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया नामांकन, पर्चा भरने से पहले किया रोड शो, साथ ही दिखाया शक्ति प्रदर्शन। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने दाखिल किया अपना नामांकन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा और राजस्थान के सीएम भजनलाल रहे मौजूद। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों की छुट्टी, एलजी के आदेश पर हुई कार्रवाई, पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर बिना अनुमति नियुक्ति का बड़ा आरोप। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की होगी टक्कर, हैदराबाद में आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। Z News.